चलो। सुनो सुनो सुनो, आज एक कहानी सुनाएं। आज एक कहानी सुनाएं जिसने अपनी जिंदगी के कुछ साल बिताए। जिसने अपनी जिंदगी के सिर्फ कुछ साल बिताए। अपने और अपने माँ बाप के कुछ सपने सजाए। अपने और अपने माँ बाप के कुछ सपने सजाए। सुनकर ये दरिंदगी हरकत, सुनकर ये दरिंदगी हरकत, जिंदगी गम में हो जाएगी। जिंदगी गम में हो जाएगी अगर इंसानियत जिंदा है तो। अगर इंसानियत जिंदा है तो आंखें आपकी नम हो जाएगी। आंखें आपकी नम हो जाएगी। देखो माँ, मैं डॉक्टर बन गई। आपका सपना था ना कि मैं डॉक्टर बनूं। फाइनली माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई। आज से मैं पेशेंट्स की मदद कर पाऊंगी, लोगों की मदद कर पाऊंगी, उनका इलाज कर पाऊंगी और दुनिया में खुशियां ला पाऊंगी। माँ आप खुश तो हो ना, मैं फाइनली डॉक्टर बन गई। माँ मैं फाइनली डॉक्टर बन गई। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे जोशीले डॉक्टर्स को देखकर। ये क्या कुछ नहीं करते हमारे लिए, ये चोट भी खुद खा लेंगे और दर्द भी खुद से लेंगे, लेकिन दूसरों पर आंच नहीं आने देंगे। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। लेकिन लेकिन उस मासूम सी जान को क्या मालूम था दुनिया इतनी जालिम है। 36 आवर्स कंटीन्यूअस ड्यूटी था, बहुत थक चुकी हूँ। पर सच बोलो तो अच्छा तो बहुत लगता है जब लोग ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा कर रही हूँ। अपने डॉक्टर होने पर प्राउड महसूस होता है। ठीक है, अगर इतना थक ही गई हूँ तो सेमिनार रूम में जाकर थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। अरे अरे कोई मुझे बचाओ प्लीज, मुझे मत मारो। मेरी माँ मेरा घर में इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे मत मारो। बेदर्द जमाना है, इतने साल मेहनत की मेरी बेटी ने और बदले में मिला क्या ये? क्यों मारा इन दरिंदों ने मेरी बेटी को, क्यों मारा? क्या ये है इंसानियत? क्या ये है तुम्हारा इंसाफ? क्या ये है तुम्हारे एक नारी के लिए सम्मान? मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, काश मैं भी लड़का होती। सुना है लोगों को कहते कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती। मेरी माँ ना We want justice. 1, 2, 3, 4, stop this अत्याचार। 1, 2, 3, 4, stop this अत्याचार। देखा आपने कैसे सच की आवाज को दबाया जा रहा है। डॉक्टर बनकर इतनी मेहनत कर ये मिला, दूसरों को बचाते बचाते दूसरों को बचाते बचाते हम खुद को ही नहीं बचा पाए। क्या अब भी आप कहोगे क्या पहना था उसने? क्या अब भी आप कहोगे क्यों देर रात तक बाहर थी वो? क्या अब भी आप कहोगे? डूबती हुई सांसों और जाती हुई जानों को बचाने का प्रयास ही तो कर रही थी वो। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ तो गई पर बच नहीं पाई, मेरा क्या गुनाह था, मेरा क्या गुनाह था, मेरा क्या गुनाह।
गुनाह था। ये मेरे खून का एक एक कतरा चीख चीख कर आप सबसे पूछेगा कि मेरा क्या गुनाह था। मेरे खून का कर्ज है आप पे, मेरे खून के लिए लड़ने का फर्ज है आप पे, और जो ना लड़ पाए उसका कर्ज आप सब पे रहेगा, आप सब पे रहेगा, आप सब पे रहेगा। किसी को तख्त मिला तो किसी को ताज मिला, किसी को कुर्सी मिली तो किसी को राज मिला। उसने तो अपनी जिंदगी लगाई थी आप सबकी हिफाजत में, बदले में उसे मौत का इनाम मिला, मौत का इनाम। We want justice, we want justice, we want civil protection act, we want civil protection act, we want civil protection act। किसी को लोग घर लाने से डरने लगे, दहेज के लिए नहीं सुरक्षा के लिए डरने लगे। मजबूर इतने हैं कुछ कर ही नहीं सकते, लोगों के मन में लड़कियों के लिए सिर्फ डर भरने लगे। सिखर दुपहरे इज्जत साड़ी पे डाका मार गए, एओ जाप दे भारत सियां तेरी चोली तार गए। चढ़ जा मंजे मेरे हथे, चढ़ जा मंजे मेरे हथे, फाहे लावा पिंड दी जू ते एक कल्ला रेप नी भारत सियां। ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे सिस्टम ते, कानूना ते, संविधाना ते। तेरी वर्षा दी विरासत रहे, तेरी वर्षा दी विरासत रहे, विद्वाना दे ज्ञाना ते। ओना थुके आए उस आजादी लई शहीदी दे डुल्ले खून ते, एक कल्ला रेपनी भारत सिया ओना थुके आए तेरे मुंह ते। कुछ जिसम ने हवसिया सट मारी साडी रूह ते, एक कल्ला रेपनी भारत सिया ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे मुंह ते। ओना दस्या है सानू हर वारी, ओना दस्या है सानू हर वारी, असी ता एदा ही करांगे, तेरी असमत लुटन लगे पल भी ना डरांगे। कोडिया जेहे पैसे लावांगे तेरी इंसाफ दी ओ सौ ते, एक कल्ला रेपनी भारत सिया ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे मुंह ते। ओना किदा तेनू तकिया सी ते किदा तेरी पीनी मरोड़ी सी, किदा तेरी जीभ वड्डी गई ते किदा टुई तोड़ी सी। लानत एहो जिही पत्रकारी ते, ते पिंडे दे उठे लूं ते, एक कल्ला रेपनी भारत सिया ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे मुंह ते। तेनू किन्ने ही वड्डे कवि शायर देवत्यां दी धरती लिखदे ने, कोई आके ता वेखे रंड बाजारां च एथे किन्ने ही जिस्म वेखदे ने। अज तक ना रोक लग सकी, अज तक ना रोक लग सकी इस हत्या भरून ते, एक कल्ला रेपनी भारत सिया ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे मुंह ते। कुछ जिस्म दे हवसिया सट मारी साडी रूह ते, एक कल्ला रेपनी भारत सिया ओना थुके आए तेरे मुंह ते, ओना थुके आए तेरे मुंह ते। गुरबाणी दे वाक अनुसार सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, नारी महानता बहुत है पर सुरक्षित नहीं है। मानयोग मुख मेहमान साहिब, अज दा इह नाटक बड़े गंभीर अते चिंताजनक विशा नारी सुरक्षा ते दर्शाया गया है। इह साडे समाज दी बहुत वड्डी त्रासदी है कि इन्ने सालां तो चलियां आ रहियां बुराइयां जिवें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि तो अजे असीं नजिठण विच पूरी तरह सफल नहीं होए सी। इक एक सो होर समस्या जिहड़ी नारी सुरक्षा नूं लै के साडे सारे समाज नूं झंझोड़ के रख्या होया कि चंद लोकां दी माड़ी सोच करके नारी जाति नूं हमेशा पछाड़िया ही जाएगा। मैं समुची नारी जाति वालों साडी सरकारां नूं अपील करती हाँ कि नारी जाति नूं बचाउण लई कुछ एक्ट बनाए जाण, उन्हां दी सैल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लई कुछ प्रोग्राम चलाए जाण, स्कूलों अते कालजां विच भी प्रोग्राम चलाए जाण। मैं इस नूं बहुत जरूरी समझदी हाँ, नहीं तो वह 100 साल पुरानी सोच कि कुड़ियां नूं उन्हां दे घर दे विच ही रख्या जाएगा, घर तो बाहर नहीं निकल दिता जाएगा, लोगों के मनों में फिर घर घर जाएगी। कुड़ियां चिड़ियां नूं भी खुले आसमान में उड्डन की छूट दी जानी चाहिए है, कुड़ियां नूं बचा लो। धन्यवाद। We want justice, 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 we want justice.